क्या लगाऊंगे अंकल। तो फाइनली जमुना एक्सप्रेस पे पहुंच रहे हैं। मेरा मेरा दोस्त ठंडी लग रही है, ठंडी का मौसम है तो पूरा खाली पड़ा है। हेलमेट भी उतारने का मन नहीं कर रहा तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। आगरा फटाफट बाइक पार्क करके हम चलते हैं अपना जो देखने हम आए हैं। फाइनली बाइक पार्क हो गई है। तो यहाँ से पार्किंग 1 किलोमीटर दूर है तो हमें रिक्शा में बैठना पड़ रहा है। ये क्या है? थोड़ी पहनने देंगे तेरे को यार। क्या जूते पैर में रहेंगे तुम्हारे, कहीं खोल नहीं। अच्छा जूते के ऊपर से पहन लो। ओवर साइज है इसका, क्या पड़ा है अंदर से। अच्छा तो देख रहे हो इसको भी पहनना पड़ेगा। अरे कोई सा भी जूता हो सब जाएगा जी। थ्री साइज होता था, शायद थ्री होता है। तो बैठ जाए, तुझे चाबी नहीं मिलती है सुअर। चाबी मुझे दे दे, मैं रख लूँ। चल चलो भाई, ये खोइयो मत भाई। अरे खो जा रहे, कोई बात नहीं है। फाइनली रिक्शा पे कभी नहीं बैठे, रिक्शा पे बैठ गए आज। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है यहाँ पे अपना ताजमहल, तो चलने की ओर। तो ये आ गए हम, ये मेरा दोस्त, ये मैं। कैसा लग रहा है तुझे अभी बता? अरे अंकल धक्का लगाऊंगे अंकल। अरे अंकल क्या लगाऊंगे अंकल। तो गाइज हमें रिक्शा वाले ने उतार दिया वहीं पे और हम थोड़ा अब गेट की साइड पैदल जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। खाने के अलावा और कोई सामान अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं है, तो हम पे एक आध चीज़ एक्स्ट्रा थी हमने बाहर ही दे दी उसे रिक्शा वाले को। मिल गया वापस ठीक है, नहीं तो ले जाएगा, कोई बात ही नहीं है। ये देखो आ रहा है मर मर के, मैंने अपना बैग इसे दे दिया है। ये ताजमहल का विकास है तो देख पा रहे होंगे, इसमें टाइम और डेट सब लिखा है। सो फाइनली गाइस ये अपना ताजमहल। फाइनली टिकट लेके अंदर आ चुके हैं, अब करीब से देखेंगे इस चीज को। जितना दूर से खूबसूरत है उतना करीब से भी है, बाकी अभी और करीब जाएंगे इसके। भीड़ रेगुलर डे से आज भीड़ कम है। सो फाइनली आ गए ऊपर हम, ये अपना ताजमहल। ये अपनी पब्लिक, आज से इतना बड़ा है कि मतलब इसे कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी, मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफी बड़ा है ये मेरा दोस्त। So,
पब्लिक भी अभी काफ़ी है, लेकिन यहाँ के जो लोकल के बंदे वो बोल रहे हैं कि रेगुलर डे से आज की पब्लिक कम है, नहीं और भीड़ रहती है। तो आज शनिवार है, आज पता नहीं क्यों भीड़ कम है। और इस ताजमहल की जो खूबसूरती को और दीवाना बनाती है, मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है। देखिए गाइस, ये इसकी बाजू में इतनी मतलब नदी बह रही है, अच्छा लग रहा है देख के। उस साइड से तो पता नहीं, लेकिन इस साइड से जो नजारा आता होगा इसका बहुत जहर तगड़ा आता होगा। तो बैकग्राउंड का भी वहां पे आपको दिखा दिया मैंने, ये सामने का व्यू है, ये अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई है। तो देखते हैं इस लाइन में लगना पड़ेगा या क्या सीन है, लाइन काफी लंबी है। ये देख लो गाइस, काफी लंबी लाइन लगी हुई है, तो अंदर तो शायद जाएंगे ही नहीं, बाकी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे अंदर कुछ नहीं है। बाकी ये देखो ताजमहल अपना नज़ारा।